एक सुपर हीरो एक आग बबूले बच्चे को सुपर विलन बनने से रोकता है। और जानने के लिए देखते रहिए। हेलो और आपका स्वागत है टॉकेटिव रिव्यूज़ में, जहां हर हफ्ते हम आपको बताते हैं फाइव गुड थिंग्स एक नई फिल्म के बारे में। और इस हफ्ते की फिल्म है डेडपूल टू। सच बताएं तो हम गए थे डेडपूल टू के हिंदी वर्जन के लिए। आखिर क्यों, आप जानना चाहेंगे। हुआ यूं कि रणवीर सिंह, जो कि एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने वॉइस ओवर दिया है डेडपूल को इस फिल्म में, और ये एक हाईलाइट बनता है इस फिल्म का। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि एक मास्टर स्ट्रोक है फिल्म मेकर्स का कि उन्होंने रणवीर सिंह को वॉइस ओवर के लिए लिया, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग है ऑडियंस में, और लोग आई एम श्योर हमारी तरह पसंद करेंगे इस फिल्म को रणवीर सिंह के वॉइस ओवर के लिए। एक बहुत ही ह्यूमरस फिल्म है, थोड़ी अतरंगी भी है सुपर हीरो फिल्म के बारे में बात करें तो, और एक ह्यूमर कोशेंट को बनाए रखती है लेकिन लोकल एलिमेंट्स को लेके। तो आधार कार्ड का भी रेफरेंस है, अच्छे दिन का भी रेफरेंस है, और फिर बाहुबली और दंगल के डायलॉग्स भी इसमें आते हैं। बहुत ही चाव से डायलॉग्स लिखे हैं इस फिल्म के डायलॉग राइटर्स ने। बिल्कुल, और मैंने तो ये भी सुना है कि रणवीर सिंह ने अपना ट्विस्ट ऐड किया है डायलॉग्स पर। बिल्कुल, उन्होंने खुद को भी इस फिल्म में शाबाशी थोड़ी दे दी है डायलॉग्स के थ्रू, कहते हुए कि क्या कमाल का एक्टर है रणवीर सिंह। खैर, हम अग्री करते हैं उनसे कि वो कमाल के एक्टर हैं। तो ऑब्वियसली इस फिल्म का जो हंसी मजाक का माहौल बना रहता है, इस फिल्म को डेडपूल 2 को एलिवेट करने में बहुत सहायता करता है, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को ये बहुत ही पसंद आएगा डायलॉग्स के वजह से। सुपर हीरो फिल्म्स की बात करें तो एक उनका एक अपना रोल है, एक अलग तरह की फिल्में होती हैं। ये बहुत ही पॉपुलर हुई अमेरिका में 1930s में, जो कॉमिक बुक्स लिखे गए वहाँ से ज़्यादातर सुपर हीरो कैरेक्टर्स आते हैं और बहुत सालों से चले आ रहे हैं। आपके फेवरेट सुपर हीरोज़ कौन से हैं? मेरे फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन हैं। मतलब बाकी सुपर हीरोज़ की तरह उनके पास शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी एक खूबी है कि वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू केसेस सॉल्व करते आ रहे हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो कि एक बोनस भी है। जी, पैसा एक बहुत बड़ा सुपर पावर होता है जैसे कि हम जानते हैं। मेरा तो फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है। उनको तो अपने सुपर पावर के बारे में पता भी नहीं है, और स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अलग सुपर हीरो है। इस फिल्म का सुपर हीरो डेडपूल जो है वो बहुत ही अलग किस्म का है, क्योंकि एक तो उसके पास कोई ऐसी सुपर शक्तियाँ नहीं हैं जैसे कि दूसरों के पास हैं। इनफैक्ट वो एक कैंसर पेशेंट है, और इस कैंसर ट्रीटमेंट में उसे कुछ पावर्स, हीलिंग पावर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है। दूसरे सुपर हीरोज के कंपैरिजन में वो उतना देखने में उतना सुंदर नहीं है, उसका डील डॉल थोड़ा विकृत है कैंसर की वजह से, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही एक अलग किस्म का है, बहुत ही बेअदब सा है, एक इररेवरेंट स्ट्रीक है उसके मजाकिया स्वभाव में, बहुत ही बोलता है। उसको इनफैक्ट रेफरेंस में कहा जाता है मर्क विद अ माउथ, क्योंकि मोटर माउथ जिसे कहते हैं, तो कुछ उस किस्म का है। और इसको डेविड लीच, जो कि डायरेक्टर हैं, खुद भी एक स्टंट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, उनकी खुद की एक स्टंट डिज़ाइन एजेंसी भी है, उन्होंने डायरेक्ट किया है इस फिल्म को, और बखूबी से किया है, क्योंकि बहुत खून खराबा होने के बावजूद आप कभी ये महसूस नहीं करते कि ये बहुत सीरियस फिल्म है। जी। एक कॉमिक स्ट्रिप के तौर पे इसे ऑलमोस्ट ट्रीट किया गया है, क्योंकि एक लाइटनेस रहता है जो कि आपको डिप्रेस्ड या बहुत सीरियस फीलिंग नहीं देता। तो इसके लिए जो डायरेक्टर साहब हैं उनको तो श्रेय मिलना चाहिए। इसके अलावा जो फिल्म के लीड हैं, जो स्टार हैं इस फिल्म के, रायन रेनल्ड्स, उनको भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की है जी, वो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के और उन्होंने लिखा भी है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में रायन रेनॉल्ड्स का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी माना जाता है। मतलब उनके ट्विटर अकाउंट्स पे भी जैसे वो बड़ी ही अटपटी चीज़ें ट्वीट करते हैं, और फैंस को काफ़ी पसंद भी है। तो उसी तरीके से रणवीर सिंह का भी हमारे बॉलीवुड में सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी माना जाता है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब मेकर्स ने रणवीर सिंह को चुना उनके वॉइस ओवर के लिए, वो एकदम सही बैठते हैं। जी, आपने सही कहा कि दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर
मैच करता है डेडपूल के सेंस ऑफ ह्यूमर से, और शायद इसलिए दोनों की एसोसिएशन और कास्टिंग हुई इस फिल्म में वन वे और द अदर. इसके अलावा इस फिल्म का एक और यूनिक पॉइंट है म्यूज़िक. जी, इसमें सेलिन डियोन का एक सिंगल है एशेस, और इसके अलावा मुझे एक पुराना पॉप सॉन्ग इसमें सुनाई दिया, वो था टेक ऑन मी बाय दिस ग्रुप कॉल्ड आहा. तो म्यूज़िक भी इसमें थोड़ा अनोखा है, और ऑब्वियसली सिचुएशंस को थोड़ा इमोशनल और लाइट बनाने के लिए यूज़ किया गया है. बिल्कुल, म्यूज़िक एक काफ़ी इमोशनल वाइब क्रिएट करता है फिल्म में, और मुझे ये भी पसंद आया कि फिल्म ने काफ़ी पुराने गाने जैसे कि एयर सप्लाई का पॉपुलर गाना ऑल आउट ऑफ लव भी यूज़ किया है. जी बिल्कुल, आप भी कह रही थी कि आपको किसी बच्चे का गाना इसमें पसंद आया. जी, मेरे को एंड सीक्वेंस में वो एक बच्चे की आवाज़ में एक गाना था जिस पे डेडपूल जंप करके फिर वो जाते हैं वो आग बबूले बच्चे को बचाने के लिए, तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. ऑल इन ऑल ये सारे एलिमेंट्स जो थे, फाइव गुड थिंग्स, सब मिला के डेडपूल 2 को बनाते हैं एक अतरंगी हट के सुपर हीरो फिल्म जो कि शायद आप देखना पसंद करेंगे. तो ये था हमारी तरफ से. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लिंक्स में इसे सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पे. धन्यवाद.